उमरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत अवैध हथियार रखने वालों की मानो शामत सी आ गई है। ऐसे ही एक आरोपी को खापरखेड़ा पुलिस डीबी स्क्वाड को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसी हफ्ते की ये दूसरी घटना है और महीने की तीसरी घटना है जिसमें अवैध हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कांगरेडवार, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण मुणे, हेड कांस्टेबल उमेश ठाकरे, पुलिस नायक प्रमोद भोयर, राजू भोयर, मुकेश वाघाड़े समेत पूरी टीम ने शनिवार को दोपहर को खापरखेड़ा इलाके में निजी गाड़ियों की पेट्रोलिंग करते घूम रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान दहगांव रंगारी में गोपनीय जानकारी मिली थी कि लाल जैकेट पहने एक युवक वलनी इलाके में किसी का खून करने के इरादे से घूम रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए लाल जैकेट वाले युवक की तलाश शुरू कर दी। टीम के वलनी पहुंचती वलनी झोपड़पट्टी के पास लाल जैकेट पहने युवक बैठा नजर आया। पुलिस निजी वाहन से जैसे ही उसके पास पहुंचती है, युवक पुलिस को देखते ही झोपड़पट्टी के अंदर के रास्ते से भागने लगा था, लेकिन उस रास्ते पर भी पुलिस तैनात थी। उसे सरोजनी नायडू आंगनवाड़ी के पास धर दबोचा गया। आरोपी से पूछताछ और तलाशी लेने पर आरोपी के पास से लोडेड देसी कट्टा और पेंट की जेब में जिंदा कारतूस मिला। पुलिस ने कट्टा कारतूस बरामद कर आरोपी को खापरखेड़ा थाने लाया गया। आरोपी की कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम अमित गौतम गजभिये, उम्र 23 वर्ष, वलनी निवासी, बस्ती वार्ड नंबर 2 बताया। बरामद किए देसी कट्टे का बाजार मूल्य 16,000 रुपए और दो जिंदा कारतूस की कीमत 1,000 कुल मिलाकर 17,000 रुपए का माल बरामद किया। सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कांकरेडवार की शिकायत पर आरोपी अमित गौतम गजभिये के खिलाफ धारा 325 भारतीय हथियार कायदा सह कलम 135 महाराष्ट्र पुलिस कायदा के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को सामने कोर्ट पेश कर कोर्ट ने 2 दिन का PCR दिया। आरोपी ने कट्टा कहां से लाया, उसका इरादा क्या था, इन सभी पहलुओं की जाँच की जाएगी। वलनी, चनकापुर, सिल्लेवाड़ा, दहगांव व भानेगांव इलाके में अवैध हथियार रखने वाले गुंडों की जानकारी मुखबिरों द्वारा जुटाने का कार्य जारी है, जिसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास पिस्टल माउजर होने की जानकारी भी मिली है। उन पर कार्रवाई करने जानकारी भी डीबी स्क्वाड प्रमुख सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कांकरेडवार ने दी है। पक्की जानकारी देने वालों को 10,000 इनाम खापरखेड़ा पुलिस थाने की ओर से दिया जाएगा। गोपनीय जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखे जाने की बात सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण मुंडे ने कही है। उपरोक्त पुलिस कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय मगर के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक राहुल माखनकर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मुख्तार बागवान के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण मुंडे, सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कांकरेडवार, हेड कांस्टेबल उमेश ठाकरे, पुलिस नायक प्रमोद भोयर, राजू भोयर, मुकेश वाघाड़े ने भाग लिया। इन BCN न्यूज के लिए खापरखेड़ा से कैमरामैन आशीष राउत के साथ अरुण महाजन और दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।